लगातार नगर निगम जयपुर के महा कवरेज जारी है, जहां पर इस महासंग्राम का महा कवरेज आपको हमारा समाचार दिखा रहा है और लगातार आपके प्रत्याशियों से रूबरू करा रहा है, प्रत्याशियों के मुद्दों से भी रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या है और क्या वो धरातल पर इन सब आपकी समस्याओं के समाधान कर पाएंगे या खोखले वादे करके रह जाएंगे और 5 साल फिर वापस अपना चेहरा दिखाने नहीं आएंगे। हम आज वार्ड नंबर 28 में हैं, जहां पर मंजू शर्मा कांग्रेस से पार्षद प्रत्याशी हैं। उनसे जानेंगे क्या उनके मुद्दे हैं, पहले भी वो पार्षद रह चुके हैं, कितनी उनसे लोगों को आशाएं हैं और क्या वो लोगों की आशाओं पर खरा उतर पाएंगे, उन्हीं से जानेंगे क्या वो मुद्दे लेकर धरातल पर आए हैं। मंजू शर्मा जी से हम बात करेंगे। मंजू शर्मा जी, लगातार पहले भी आप पार्षद रह चुके हैं, इसके बाद में फिर से आपने ताल ठोकी, लगातार धरातल पर कार्य किए हैं और फिर से आप मैदान में हैं, क्या मुख्य चुनौतियां आपके सामने आने वाली है? देखिए, जो नगर निगम की प्राथमिकता है सफाई है, वो भी प्रॉपर ढंग से नहीं है, कचरे की गाड़ियां हैं वो भी नियमित रूप से नहीं आ रही है। फिर हम बात करें सड़कें, तो वार्ड में 70% सड़कें टूटी हुई है, उसका मतलब सुधारना है। और फिर पार्क है, पार्क की भी दशा सही नहीं है, पार्क को कचरा पात्र बन रखा है, रोड लाइटें हैं, आदि से कॉलोनी में तो रोड लाइटें ही ठीक नहीं है। तो इन सभी तमाम मुद्दों के लेकर मैं यहाँ जनता से रूबरू हो रही हूँ, डोर टू डोर मिल रही हूँ। ड्रेनेज की व्यवस्था भी सही नहीं है, 21 साउथ जैसी कॉलोनी में पेयजल की समस्या है, रानी कॉलोनी में पेयजल की समस्या है, श्रीरामपुरी में पेयजल की समस्या है, यहाँ दिशा सूचक बोर्ड नहीं है। तो मेरा तो ये कहना है कि यहाँ विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। शर्मा जी, आप पहले पार्षद रही हैं और एक महिला भी हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कुछ प्रयास किए हैं और क्या कुछ आगे आप प्रयास करने वाले हैं? देखिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर मैंने जागरूकता कार्यक्रम किए हैं और महिलाओं को समझाया है कि वो अपने को कमज़ोर ना माने, अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को पालन करके लड़ाई लड़ें। और समय समय पर महिलाओं से संबंधित रोजगार से है, प्रशिक्षण है, ऐसे कैंप भी मैंने लगाए हैं। आगे कांग्रेस की सरकार है और आप कांग्रेस प्रत्याशी हैं, कितना आपको क्षेत्रवासियों को इसका फायदा मिलने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए, क्षेत्रवासियों को समझना चाहिए। जिस पार्टी का प्रत्याशी है, यदि आप उसको वोट करते हो तो आपको 100% विकास कार्य होगा और फायदा मिलेगा। क्या क्षेत्रवासी ये विश्वास करें कि जिस तरीके से बड़े नेता आश्वासन और खोखले वादे करते हैं, वो आप नहीं करेंगे और धरातल पर कार्यों को सुचारू रूप से चलाएंगे और लोगों को समस्याओं का समाधान करेंगे? देखिए, ये तो मैं तो कभी झूठे वादे करती नहीं हूँ, ये मेरा 4th इलेक्शन है और मैं तो जिस वार्ड से ये चुनाव लड़ती हूँ, तो मेरे तो जो पिछले वार्ड के क्षेत्र के लोग हैं वो सेम आके यहाँ मुझे जिताते हैं। यही वजह है कि मैं झूठे वादे नहीं करती हूँ, मैं वही कहती हूँ जो मैं कर सकती हूँ और मैं वो कहती हूँ तो करके भी दिखाती हूँ। यदि आप जीत कर आते हैं तो सबसे पहले जो मुख्य मुद्दे होंगे वो क्या होंगे जिनको प्राथमिकता आप देंगे और यहाँ के क्षेत्रवासियों को उससे निजात दिलाएंगे? भाई, यहाँ की रोड लाइटें ठीक नहीं है, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, सड़कें की हालत ठीक नहीं है।